हेलो फ्रेंड्स, मैं वेजस्वी पटेल है। स्वागत करती हूँ आपका वेजस किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ व्रत के लिए स्पेशल फरारी पकौड़े। जब भी हम व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा मज़ेदार खाने का मन करता है। इसलिए मैंने बहुत ही टेस्टी पकौड़े बनाए जो ऊपर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से एकदम नरम, जो आप ऐसे ही खाओगे तो भी बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। लेकिन आज मैंने उसे दही के संग सर्व किया है, तो चलिए हम देख लेते हैं पकौड़े मैंने कैसे बनाए। सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे। एक आलू को मैंने उबाल के रखा था, उसे मैश करके ले लिया है। अब उसमें हम डालेंगे 1/3 कप सिंघाड़े का आटा, साथ ही में उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून अदरक और हरी मिर्च, और ये है नींबू का रस, वो भी 1/2 टीस्पून जितना। साथ ही में उसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून सौंफ और सेंधा नमक स्वादानुसार। अब उसमें हम पानी डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हम थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, फिर ज़रूरत लगे तो बाद में हम पानी यूज़ कर लेंगे। यहाँ करीबन मैंने 1/3 कप पानी का यूज़ किया है। तो बस हमारा पकौड़े के लिए बैटर तैयार है। अब उसमें से हम पकौड़े बना लेंगे। पकौड़े के लिए तेल एकदम गर्म होना चाहिए, उसमें ऐसे गोल गोल करके उसमें हम डाल देंगे। गैस की आंच हम स्लो टू मीडियम रखेंगे। पकौड़े हमारे तल के तैयार है, उसे हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हो पकौड़े ऊपर से एकदम क्रिस्पी बने हैं। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।